लुधियाना के छावनी मोहल्ला में बीती रात मामला उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पहले से किसी मामले को लेकर फैसला हुआ था और बाद में किसी बात की कहा सुनी के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बता दें कि ये दोनों पक्षों की ओर से खूब ईंट पत्थर बरसाए गए और बोतलें भी मारी गई। वहीं स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए मौके पर पुलिस बल पहुंचा और मामले को शांत करवाया गया। वही पहले पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस इलाके में रहती सिख कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वही उन्होंने कहा कि यह मामला बीते दिनों में हुई लड़ाई को लेकर हुआ है। इस दौरान उन्होंने दूसरी पार्टी पर मारपीट के भी गए। वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे पक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुछ बात को लेकर कहा सुनी हुई थी जिसका फैसला भी हो गया था, लेकिन आज दूसरे पक्ष की ओर से मारपीट की गई है जिसके बाद ईंट पत्थर भी चलाए गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला शांत करने के लिए कुछ हवाई फायरिंग भी की थी। इसके बाद मामला शांत हुआ और उन्होंने कहा कि इस बाबत कुछ लोगों के गंभीर चोटें भी आई हैं जिन्हें सिविल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस दौरान इलाका एसएचओ सतवंत सिंह ने बताया कि यहां पर दो गुटों की आपस में लड़ाई हुई है और ईंट पत्थर भी चले हैं। उन्होंने कहा कि मामले को शांत करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और अभी जांच पड़ताल की जा रही है। मामला उन्होंने कल ना साढ़े मुंडे की मार्केट से हमला करता तीन बारी, पहले दोपहरे किया फिर शामी राती 100-200 जनानी आदमी लैके चले गए। शामी 4 बजे 6 बजे 4 नंबर दरेसी फैसला हो गया। असं भी चलो ठीक है तो घर आ गए। असं रोटी खाते पे हाँ, वो बोतल कृपाना लैके गटुए फैर 5-10-12 फैर किए उन्होंने ऐ चौंक ही, तो गटुए कृपाना लैके दो जनानियों मारिया, ए बंद मारिया, होर मारिया, कहते इतों तुम सरदारो मोनो तो मुसलमान मुसलमान हो इत निकल जाओ छड़ दौ सरदार मुसलमान हिंदू कहते छो इतों छोनी मला छड़ के निकल जाओ। कौन सी दूसरे पास वो बाल्मीक है। कारण की लड़ाई कारण ऐसी कल इन्होंने कल इत साडे बेटे की दुकान से इन्होंने हमला कराता राती ASI आया कारण हमला किया उन्होंने हमला हिंदू सिख के खिलाफ भाई इतों महला छड़ दौ है गल असी तो हो ही नहीं असान तो असी तो अंदर से अपने एक मिनट बेटे मैं तो अपने असी सारा जनानिया समय रोटी खाते पे सर अंदर मौका देखो तुम आप उन्होंने घर दो 70-80 बंदे तो उत्ते चार पाँच अगे ये दो जनानियां एक आसपास छे सत फायर किए उन्होंने। ये लड़ाई कल दी हो रही है जी। कल पहला छोनी महल्ले दे विच इक पिपल वाले चौंक दे विच राजू कोई नाम का दुध वाला इतों वाल्मीकि महल्ले तो सारे महल वाले दुध उतों लेंदे जाके तो कल इन्हां दी किसी गल तो तू मैं हो गई इतों साढ़े सुनीता भैन जी उन्होंने बोले बोले तो उन्होंने कंप्लेन लिखाती उत्थे 4 नंबर थाने दे विच और अज जाके दाणा साहब जिंदर हंस जी लव द्रावड़ जी बाकी होर सारे महल वाले ने उत्थे थाने जाके तो उधरों प्रहलाद ढल जी ने वो चले गए। उन्होंने बह के उत्थे अपने पोते लिए माफ़ी मंगी भी चलो उन्हें जिहड़ी बदतमीजी की है मैं माफ़ी मंगदा भी वो आप हजे आ नहीं सकता वो बीमार उन्हें ग्लूकोज लग्या होया तो उसकी जिम्मेवारी मैं अपने पोते की आप लैंदा तो सारे ने इधरों कंप्रोमाइज कर लिया जो जिम्मेवारी चक ली दादे ने तो कंप्रोमाइज हो गया। हुण अज शाम दे वेले फिर अटैक करता ये सानू नहीं समझ लगी भी की जद कंप्रोमाइज़ हो गया एक दादे ने जिम्मेवारी चक ली बड़ी माड़ी गल है। यदा मतलब इतों ये लगता कि प्रहलाद ढल जी के जो पोते है वो उन्होंने कहने नहीं है जे एक दादा पो जिम्मेवारी चक के आ रहा तो फिर उस तो बाद अटैक कर रहा कारण उत्थे कोई जो दसदे लोग भी दुध वाले नाल कोई लड़ाई इन्हां दी तू मैं चल रही सी दुकान का रौला चल रहा तो उसकी बांह भी टुटी हुई है मुंडे की कल की लड़ाई के तो उस तो बाद जो इतों महल्यों जाते दुध लैन उन्होंने कहा भी हाल चाल पूछ लग गए इन्होंने समझा पता नहीं उन्होंने कोई सपोर्ट करन आ गए क्योंकि उन्होंने तो रूटीन है एक दुध लैके आन की तो इन्होंने भी गला गुला कट लग गए इतों ही गल वधदी वधदी उठाने चलेगी जिदा मैं तुहानू अज उधरों हाँ जी हमला होया और गोली भी चली है जो इतने तुम्हें वीडियो भी दिखाई गई मुंडे भी दसते 8-10 जने के सट्टा लगिया हुई जिन्होंने मैडिकल करा लिया अपना
तो गोली चली है, बड़ी माड़ी गल है। ये एक महल रह के जड़िया इदा दिया हरकत करनिया, जब इस गल एक गल के कॉम्प्रोमाइज हो गया, द्वार द्वार से हमला करना बहुत माड़ी गल है, असं निंदा करना। ये दो धिर लड़ाई हुई आस में, इन्होंने आस में एक दूजे के पत्थर इटा मारे है, वो हाले तक यही पता कोई इंजर्ड होया कि नहीं होया, हाले तक यही पता है। तो जड़े भी हो गए असं अपने वालों एक कार्रवाई करा कर रहे इन्होंने दोनों धिर के खिलाफ। सर की किन्ने बजे का इंसीडेंट है ते कारण की है, कुछ हाले तक पता लगे? इन्हें कारण इन्हें आपसी बस छोटी मोटी गल तो लैके लंघ बढ़न तो लैके झगड़ा होया किसी गल तो, वो असं पड़ताल कर रहे हैं, पड़ताल करके जो भी गल सामने आई उस हिसाब न मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई करें। किन्ने बजे का इंसीडेंट हुआ? करीब तो अद्धा घंटा पहला होया। नहीं होर कोई नुकसान कुछ नहीं होया, कोई जो किसी सट लगी है जो कोई जो भी सामने आया देख। हाँ एक एक गड्डी दे लगी है, नहीं कोई यह जी कोई यह जी कोई नहीं गल हुई। नहीं 160 IPC का पर्चा दर्ज कर रहे हैं दोनों तरह के खिलाफ। सीवन न्यूज़ के लिए लुधियाना से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट।